क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, सेम है, फाइव टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ठीक है, फाइव टाइम्स दैट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल बी फाइव इंटू एक्स इज इक्वल टू थ्री लेस देन ट्वाइस, पहले ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज एक्स स्क्वायर, उसका ट्वाइस मतलब टू इंटू एक्स स्क्वायर, और उससे तीन कम है तो माइनस थ्री कर दो, तो ये जो मेरी इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी टू माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, ओके, इज इक्वल टू जीरो. अगेन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल इस तरीके से, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स, माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स करोगे तो वट यू विल गेट, यू विल गेट करोगे माइनस सिक्स एक्स इंटू एक्स, यू विल गेट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. बस यहाँ से टू एक्स कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, यहाँ से प्लस वन कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, ऑलरेडी है इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लो, एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लोगे तो कितना जाएगा टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से अब आप दोनों को इक्वेट करोगे, वेन यू विल इक्वेट, ठीक है, तो यहाँ से पहले आप इसको जीरो को इक्वेट करो, सो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री, एंड दिस इज द ओनली आंसर, दिस इज द पॉजिटिव ना, पॉजिटिव इंटीजर है. दूसरा वाला इक्वेट करोगे तो मैं करके देख लेता हूँ, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो ये तो इंटीजर भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, एक्स इज इक्वल टू थ्री विल बी द राइट आंसर.